प्रतापगढ़ जिले के अंतिम छोर पर बसे गांव दलोट में पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के झाबुआ का विश्व विख्यात अगोरिया हाट की ही तर्ज पर आदिवासी अंचल में आदिवासियों की विशेष पहचान एवं परंपरा कायम रखने के लिए दलोट पंचायत समिति के गटकड़ में ग्राम में आयोजित एक दिवसीय हाट बाजार में गांव से पारंपरिक वेशभूषा में युवतियाँ और रंग बिरंगे वस्त्रों में युवक पहुँचे। मेले में युवक युवतियों के द्वारा सामान की खरीदी कर मांडल की थाप पर युवक युवतियां जमकर थिरके। आपको बता दें कि खाने पीने के शौकीन न जलेबी पकौड़ी और कुल्फी सहित अन्य व्यंजनों का लुप्त उठाया। इस हाट में पारंपरिक परिधानों में सजे सवरे आदिवासी मस्ती में झूमते हुए नाचते गाते नजर आए। आपको बता दें कि आदिवासी समुदाय के युवक युवतियों ने मस्ती भरे अंदाज में नाच गाकर हाट का लुत्फ उठाया। निर्धारित आदिवासी विशेष हाट स्थल पर सुबह से ही आदिवासी समुदाय के सैकड़ों महिला पुरुषों की भीड़ उमड़ने लगी। देखते ही देखते हाट बाजार मेले में तब्दील हो गया। तीर कमान देशी मटका मिट्टी के बर्तन आदिवासी घड़ियां आदिवासी महापुरुषों की तस्वीरें फल फ्रूट आदिवासी अनाज कांगनी बट्टी हमली पांडला मक्की कोदरा आदिवासी वेशभूषा के वस्त्र ओढ़नी धोती पगड़ी होली त्योहार को देखते हुए होली के रंग हल्दी मसाले की दुकान भी लगाई गई। इन दुकानों से आदिवासी ग्रामीणों ने जमकर खरीदारी की। हाट के दोनों तरफ दुकानें और बीच में घूमने की व्यवस्था रखी गई और आगे आगे ढोल कुंडली थाली बजाकर गैर एवं दागड़ी नृत्य गोलाए में किया गया। वहीं इस मेले में सबसे आकर्षण में एक जैसी वेशभूषा में आदिवासी समाज के युवक युवतियां महिला पुरुष देखे गए। एक बात और खास होती है, आदिवासी समाज के जो महिला पुरुष हाट में आदिवासी वेशभूषा में नहीं आते उनके ऊपर समाज द्वारा चाय पानी खर्चे का जुर्माना रखा गया जो उन्होंने खुशी खुशी खर्चा किया। इस बहाने प्रेम भाव स्नेह और मिलन बढ़ता रहे। भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक मांगीलाल नीनामा ने बताया कि आदिवासी समाज अपनी मूल पहचान और परंपराएं खोता जा रहा है, उसको बचाने के लिए तथा आदिवासी समुदाय आत्मनिर्भर बने उसके लिए यह आयोजन किया गया। सोहन नीनामा के नेतृत्व में पार्किंग व्यवस्था संभाली गई, वहीं अनिल ईश्वर विजय लाल व राजकुमार ने निःशुल्क मेडिकल सेवाएं भी दी।